नमस्ते साथियों, चलिए प्रेयर करके आज के हम क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर, ओम शनावतु शहनो गुनक्तु शह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही हरि ही ओम। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथियों, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। डू दिस बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और नॉलेज। बाय वन ऑफ दीज आर मोर ऑफ दीज आर ऑल ऑफ दीज। Just be free। बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में और हम लोग आगे की चर्चा शुरू करेंगे। और हठ योग प्रदीपिका का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आठ योग प्रदीपिका चैप्टर वन, नाम है उपदेशः आसनः। इसमें वो सारी बातों की चर्चा की गई है कि एक योगी को किस तरह अपनी योग साधना शुरू करना चाहिए। स्वात्मा राम जी ने ये पुस्तक लिखी है, यह ग्रंथ। और स्वात्मा राम जी कौन थे? जो हठ योग के सबसे पहले प्राइम मास्टर हैं आदिनाथ, जिनको लॉर्ड शिव भगवान शंकर भी बोलते हैं। आदिनाथ के शिष्य, शिष्य परंपरा में एक शिष्य हुए मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के बहुत सारे शिष्य हुए, उसमें एक शिष्य है गोरखनाथ और गोरखनाथ के शिष्य हैं स्वात्मा राम। उन्होंने भी यह पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के शुरू में मठ कैसे, गुरु के बारे में बताया गया, हठ योग का महत्व बताया गया, क्यों हठ योग की परंपरा को, हठ योग की जो अनुभव आए हठ योग करते समय उसको सीक्रेट रखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हुई। फिर चर्चा होती है कि मठ कैसे होना चाहिए, योगी का रूम कैसे होना चाहिए, कुटिया कैसी होनी चाहिए, स्टूडियो की स्टूडियो और योग रूम। फिर इसके बाद इसमें चर्चा होती है बाधक तत्व, कौन कौन से चीजें बाधक हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम ग्रह। और फिर है जनसंघ, जनसंघ लौल्यम च षडवरियोगो प्रसिद्ध विनश्यति, नाश करना। विनश्यति मतलब नाश करना। तो सूत्र नंबर 15 में उन गुणों, उन अवगुणों की बात कही गई जिनसे योग के, योग का आपका अभ्यास नाश हो जाता है उसका। और फिर सूत्र नंबर 16 में साधक तत्व, कौन कौन से चीजें साधक तत्व हैं। तो बाधक तत्व कौन कौन से हैं? अत्याहार, बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत ज्यादा प्रयासश्च, बहुत ज्यादा एग्जर्सन करना, प्रजल्पो, बहुत ज्यादा बातचीत करना, और नियम ग्रहण, बहुत ज्यादा नियमों में बंध कर रहना। फिर जनसंघ, जनसंघ मतलब ऐसे लोगों का साथ करना जिनको योग में कोई रुचि नहीं है, कॉमन पीपुल, उसमें लिखा गया है हठ योग कॉमन पीपुल, सामान्य साथ नहीं करना चाहिए,
सत्संग, जहां सत्य की चर्चा हो ऐसी साथ करें। जैसे आप लोग यहाँ पर हैं तो यह सत्संग है, यह कॉमन लोगों का ग्रुप नहीं, ये योगी लोगों का ग्रुप है। फिर आता है लौल्यम। लौल्यम मतलब जिसका माइंड अनस्टेड, स्थिर नहीं रहता, लगातार इधर उधर भागता, इमोशनली अनस्टेबल। यह गुण भी योग योग के अभ्यास में बाधक है। फिर आता है साधक तत्व की बारी। साधक तत्व में उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानश्च निश्चयात्। उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, निश्चय बुद्धि का होना चाहिए, अनशेकेबल फेथ इन गुरु। फिर आता है जनसंघ परित्याग, कॉमन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही तो बाधक है। इस तरह साथियों 6 साधक तत्व, फिर 10 यम और 10 नियम, 10 गुण हैं जिनका पालन करना, मतलब कि सोशल एडजस्टमेंट है, जो आपको सामाजिक अपने व्यवहार में दूसरों से इंटरेक्ट करते समय, ब्रह्मांड से इंटरेक्ट करते समय जिसका पालन करना चाहिए, और 10 गुण ऐसे हैं जो आपको अपने निजी जीवन में उतारना चाहिए। तो जो जो ब्रह्मांड से इंटरेक्शन है उसका सोशल एडजस्टमेंट नाम दिया गया, यम रिस्ट्रेंट प्रतिबंध जो आपके ऊपर है, और ऑब्जर्वेंस जो नियम है, ऑब्जर्वेंस जो आपको अपने जीवन में पालन करना है। ये साथियों 1 से लेके 17 तक के सूत्र, यहाँ तक 16 तक हो जाते हैं। सूत्र नंबर 17 से आसनों की चर्चा की गई है। हठ योग प्रदीपिका के प्रथम चैप्टर का नाम आसन है और वहां पे आसनों की चर्चा शुरू हो जाती है। 17 से लेके 56 तक जो है ढेर सारे आसनों की चर्चा, तो आसन की पूरी डिस्कशन एक अलग क्लास में अलग तरीके से हम करेंगे, इसलिए वहां से छोड़ देता हूं और सूत्र नंबर 57 पे आ जाते हैं। 57 में भी हमने, मैं यहां से खोल लेता हूं, ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। 57 में था कि योगी का खाना कैसे होना चाहिए, पथ्य फूड और अपथ्य। तो जो ब्रह्मचारी है उसका खाना मिताहार होना चाहिए। मिताहार क्या है, इसी को भगवत गीता में सात्विक आहार बोला गया है, वही मिताहार। यहाँ हठ योग प्रदीपिका में उसका नाम मिताहार है। योगी को मिताहार खाना चाहिए, नियमित योग अभ्यास करना चाहिए और इंद्रिय के सुखों को 1 साल के लिए छोड़कर योग अभ्यास में लगे तो वो परफेक्शन को अचीव कर जाता है। ऐसा हठ योग प्रदीपिका का सूत्र नंबर 57 चैप्टर 1 यह निर्देश है। फूड फॉर योगी, मिताहार क्या है, मिताहार डिफाइन किया गया सूत्र नंबर 58 में। सूत्र नंबर नेक्स्ट 58 में ही है कि स्वीट होना चाहिए, एग्रीएबल होना चाहिए। एग्रीएबल मतलब जिस सोसाइटी में, जिस जगह रह रहे हैं वहां के हिसाब से होना चाहिए। खाने में मीठा लगे और मतलब प्रसन्नता का अनुभव हो, और खाना कितना खाएंगे, आधा खाना, आधा पेट आप खाने से भरेंगे सॉलिड फूड से, चौथाई पेट आप भूख अपनी लिक्विड डाइट से शांत करेंगे, और 1/4 हवा से, यानी कि हम अपनी भूख का 3/4 ही खाएंगे। और खाना कैसे लेना चाहिए, भगवान शंकर जो लॉर्ड शिव है, जो भी आपके ईश्वर हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, जीजस को मानते हैं, माने राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, जिसको भी आप माने, ऐसा माने कि फूड ये जो हम खाना खा रहे हैं साक्षात उस ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे आप खराब खाना, नुकसानदायक खाना खाएंगे ही नहीं। तो मिताहार ये हो गया। अब साथियों आगे चलते हैं, मिताहार का गुण क्या क्या होगा, यह बहुत जरूरी है। मिताहार, तो मिताहार का गुण, पहला गुण कि मिताहार को सात्विक फूड कहते हैं जो भगवद गीता में है। और जो देखिए फिर अगली लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इंटरप्रिटेशन है, सूत्र में नहीं बोला गया है, लेकिन जो ऋषियों ने इसका, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन किया कि जो हठ योग में खाना बताया गया है यह इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से है, और फॉर सीरियस स्टेजेस, जो बहुत ही सीरियस प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए है मिताहार, सब लोग इसको नहीं खा पाएंगे। इंडियन एनवायरमेंट, इसका मतलब अगर एनवायरमेंट बदल जाएगा तो मिताहार बदल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, देखिए यही चीज भगवत गीता में भी है। भगवत गीता में कहीं भी शाकाहार मांसाहार ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वहां लिखा है आयुषत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया।
जो खाना आपकी आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख प्रीति इन पांच चीजों को बढ़ाए वह खाना सात्विक खाना है। वह जगह जगह के हिसाब से बदल सकता है। यही चीज हठ योग में वर्णित मिताहार के बारे में भी है। इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से आगे चर्चा का सिर्फ सीरियस हठ योग जो हठ योग में बहुत आगे निकल गए हैं वो लोग ये फॉलो करेंगे। बाकी लोग भी कर सकते हैं लेकिन जल्दी किया नहीं जाता है, उनको खराब लगता है। अच्छा, अब यह खाना कैसा होना चाहिए। मिताहार का अगला गुण होता है कि यह आपके शरीर में सप्त धातुओं को नरिश करता है, सप्त धातुओं का पोषण करता है। मिताहार में घी और दूध भी मिला हुआ होना चाहिए, ऐसा हठ योग प्रदीपिका का सूत्र नंबर 63 बोलता है। मानव शरीर जो है सात धातुओं से मिलकर बना है। सात धातुएं कौन सी हैं? जो भी जानते होंगे आप लोग, जो नहीं जानते लिख लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। रस, रस मतलब जो आपके बॉडी में वो जो डाइजेस्टिव जूस जो बनता है, एसिड जो बनता है, हार्मोन जो कहते हैं उसको कह सकते हैं रस। रस के बाद है रक्त, रक्त मतलब जो पूरे शरीर में ब्लड आपके घूम रहा है, रस रक्त। मांस, मांस मतलब ये फ्लेश चमड़ा जो शरीर में जो मांस का हिस्सा है, रस रक्त मांस। मेद, मेद मतलब शरीर में मौजूद वसा तत्व जिसको फैट कहते हैं जो शरीर में गर्मी मेंटेन करता है। रस रक्त मांस मेद। अस्थि, अस्थि मतलब होता है हड्डी बोन्स। और मज्जा, मज्जा मतलब अस्थियों के अंदर एक बोन मैरो एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं। और फिर शुक्र, शुक्र मतलब स्पर्म, मेल में बॉडी में स्पर्म और फीमेल बॉडी में अंडा होता है जिसको आप कह सकते हैं। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, आपका खाना इन सातों धातुओं को नरिश करना चाहिए। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मिताहार जो है एक्सपेरिमेंट से कहा जाना चाहिए कि क्योंकि जो मिताहार है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। आपको अपने एक्सपेरिमेंट से देखें कि मुझे कितना खाना और कौन सा खाना खाना है। बस सातों धातुओं को नरिश करें। हो सकता है किसी को कद्दू की सब्जी अच्छी लगती हो तो किसी को तुरई का लगता हो, तो एक के लिए कद्दू सात्विक आहार मिताहार हो जाएगा और एक के लिए तुरई हो जाएगा, तोरी जिसको बोलते हैं, नेनुआ बोलते हैं। इस तरह आप एक्सपेरिमेंट करके अपना खाना आपको सेट करें। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं। मिल्क और घी के बारे में क्यों आपका कोई कह सकता सर ये तो घी और दूध आप कह रहे हैं अलाउड है, ये अलाउड है, लेकिन सीरियस योग प्रैक्टिशनर जो बहुत ज्यादा योग अभ्यास करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, और साथ में ये भी सावधानी है कि मिल्क और घी बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है। अगर मिल्क बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया तो म्यूकस की प्रॉब्लम आएगी, कफ दोष आएगा, और घी बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया तो फैट बढ़ेगा। तो इसलिए मिल्क और घी रिकमेंडेड है फॉर सीरियस प्रैक्टिशनर एंड डाइट टू इन लिमिटेड क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड। अच्छा, ये जो अगला है पथ्य फूड, आपसे कोई कहे कि पथ्य फूड क्या क्या है, यह सूत्र नंबर 62 में है। तो वो द मोस्ट कंड्यूसिव फूड फॉर योगीज, यह यानी पथ्य फूड कौन कौन से हैं? गुड ग्रेन्स अनाज अच्छी क्वालिटी का, वीट राइस बार्ली जौ गेहूं चावल जौ, दूध घी ब्राउन शुगर मतलब शक्कर, शुगर कैंडी मतलब मिश्री, शहद ड्राई जिंजर यानी सौंठ, पटोला फ्रूट, पटोला फ्रूट को परवल कहते हैं शायद, लेकिन जहां हठ योग प्रदीपिका जहां मैंने पढ़ा वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर लोगों से चर्चा करने में ये निकल के आया कि हाँ परवल को ही कहते हैं पटोला। जैसे नॉर्मल मैंने भी देखा हुआ है कि परवल को पटल भी बहुत जगह बोलते हैं, शायद इसीलिए होता होगा। अब फाइव वेजिटेबल्स भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है, लेकिन कई लोगों से चर्चा में मैंने ये बात सुनी है इसलिए मैंने लिख लिया है। लौकी तुरई कुष्मांड खीरा परवल,
यह पांच तरह की सब्जियां खानी चाहिए, यह अलाउड है। लव कुष्मांड हो सकता है एक कद्दू की बात हो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लौकी तुरई जानता हूँ, कुष्मांड नहीं जानता। खीरा परवल, खीरा को देखिए यहाँ सब्जी में रखा गया है, तो ठीक है जिसने भी जिसका इंटरप्रिटेशन होगा, इसलिए उसमें हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हठ योग प्रदीपिका पांच तरह की सब्जियां खाने को बोलता है। जो लोग जैन धर्म फॉलो करते हैं, जैन धर्म में भी पांच तरह की सब्जियां बताई गई हैं। घेरण संहिता में पांच तरह की सब्जियों को पांच साग से बताया गया है। वहां जो हम लोग पालक का साग खाते हैं, मेथी का साग, इस तरह वहां पांच लिस्ट दी गई है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं इस समय, लेकिन ऐसा पांच वेजिटेबल्स अलाउड है। तो अब कौन सा है वो, अब उस समय स्वात्मा राम जी ने क्या सोच के लिखा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये लौकी तुरई कुष्मांड खीरा परवल और पांच तरह के साग जो घेरण संहिता में है वो भी है। जैन धर्म के लोग जो खाते होंगे उनका शायद ऐसा है कि जमीन के नीचे उगने वाली चीजें वो नहीं खाते। तो जो भी हो, इसका मुझे क्लियरिटी नहीं, लेकिन मैंने जो जो मैं डिफरेंट तरह के बातें चर्चा में सुनी है वो मैं आपको बता दिया। और दाल कौन सी खानी चाहिए, मूंग की दाल। मूंग की दाल पचने में बहुत आसान होता है। तो पथ्य फूड, कोई आपसे पूछे कि योगी के लिए पथ्य फूड क्या है, तो आप अच्छे अनाज, गेहूं, चावल, मूंग की दाल, पांच तरह की सब्जियां, दूध, घी, शहद, सौंठ, ये सब, चीनी में भी आप शक्कर और मिश्री, यह जो है योगी के लिए पथ्य फूड है। अच्छा, अब इसमें अगले हम चलते हैं। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं पथ्य फूड के मिताहार के क्वालिटीज। अभी ये सब क्यों जरूरत है कि गेहूं चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट सप्लाई होती है, विटामिन बी जो है फ्रेश मिल्क से आता है, घी जो है म्यूकस लाइनिंग मेंटेन करता है, जो अंदर जब आप ये शरीर शोधन क्रियाएं करते हैं तो मुंह से लेके पूरा अंदर तक का म्यूकस की लेयर हट जाती है, तो घी की वजह से वो लाइनिंग फिर से बन जाती है। अच्छा, फिर लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल पल्स मूंग, ये सब आप लोग जानते हैं कि क्यों मूंग की दाल कहेंगे, बहुत ही हल्की है, पचने में आसान होती है और यह शरीर को प्रोटीन देता है। अब हैवी वाले मील का जो दालें हैं वो खा लेंगे, उड़द का जैसे दाल है खा लीजिए तो गैस बनने की संभावना है, डाइजेस्ट नहीं होगा, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो जो मूंग की दाल ज़्यादातर रिकमेंडेड है, और पानी एकदम फ्री फ्रॉम केमिकल, एक्सेस मिनरल होना, एक्सेस मिनरल्स हो, हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं हो, एक्सेस मिनरल्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया इज एसेंशियल, हार्मफुल बैक्टीरिया इज अवॉइडेंस, मीन्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, एक्सेस मिनरल्स ना हो, केमिकल्स ना हो, शुद्ध पानी आप लोग जानते हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा ना करें। तो इस तरह साथियों हमने पथ्य फूड की चर्चा कर ली, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वही है जहाँ पे गेहूँ चावल बाजरा घी दूध वो सब बताया गया है, यह फूड आपके शरीर में सप्त धातुओं का पोषण करता है। अब अगला आता है अपथ्य फूड, अपथ्य मतलब जो नहीं खाना है। ऊपर क्या था, फूड फॉर योगीज, अब क्या है, फूड प्रोविडेड फॉर योगीज, ये खाने आपको नहीं खाने हैं। अभी जब हम भगवत गीता में इसी चीज को कैसे बोला गया है, भगवत गीता में इस चीज को वहां बोला गया है तामसिक और राजसिक फूड, तामसिक और राजसिक फूड नहीं खाना है, सात्विक खाना है। तो यह जो हठ योग प्रदीपिका के सूत्र नंबर 59 में जनरली राजसिक फूड की बात कही गई है, कैसा खाना हो, बिटर हो, सावर, पंजेंट, सॉल्टी, पंजेंट मतलब शायद दुर्गंध वाला, हीटिंग, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाना है। कौन कौन से ग्रीन वेजिटेबल, जो कुछ साग अलाउड हैं, अब वहां सूत्र में डिटेल नहीं लिखा इसका, तो इसलिए जो अपने हिसाब से माने, इसके बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा जानता नहीं, पूछा मैंने बहुत लोगों से लेकिन कोई क्लियर नहीं कर पाता, मतलब अभी जो जो मुझे मिले, ये भी नहीं कर रहा हूँ किसी न किसी तो आता ही होगा, या हो सकता है हर परंपरा में अलग अलग लोग हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो सौर, ग्रुएल, ऑयल, सीजम एंड मस्टर्ड, एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, ये योगी के लिए अपथ्य।
ये क्यों, फिर मैंने आपको बताया ये क्यों, इंडियन इन्वायरमेंट, इंडियन हो सकता है कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां मांस खाना अलाउड हो, वहां वो खाना मिताहार हो सकता है, लेकिन इंडियन इन्वायरमेंट क्लियर कट शुरू में ही लिख दिया गया कि हठ योग प्रदीपिका का जो खाना है वो इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से है। तो फ्लेश खान नहीं खाना है, कर्ड नहीं खाना है, बटर मिल्क नहीं लेना, बटर मिल्क मतलब छाछ में ही, मट्ठा भी यहाँ अलाउड नहीं, होर्स ग्राम जो कुल्थी की दाल को बोलते हैं, और फ्रूट आप जुजुबे, ये मैं नहीं जानता हूँ क्या है, मुझे ऐसा लगता है कटहल की बात हो रही है, और फिर ऐसा फोटिडा फोटिडा ये हींग की बात हो रही है, और गार्लिक लहसुन नहीं खाना है, इनफैक्ट इनके अलावा प्याज नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, योगी को सलजम नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये सब भी नहीं खाना चाहिए। तो अब ये अपथ्य है, क्यों ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे खाने से आपकी योग साधना बाधित होती है, नाड़ियों में ब्लॉक क्रिएट होता है। इसको भगवत गीता में क्या बोला गया है, कट्वम्ल लवड़ा तुष्ण त्रिक्ष रुक्ष विराहीन आहारा राजस्व एष्टा दुख सुख आमय प्रदा। फिर जो है ये तो इस राजसिक खाना, तामसिक खाना क्या है, यातयातम गता रसम भूति परिषुतम चयत उच्चिष्ठम पिचा मेध्यम आहारा तामस प्रिया। इस तरह जो दो ये राजसिक और तामसिक खाना, वही चीज यहाँ पर अपथ्य फूड बोला गया है, सूत्र नंबर 59, यह नहीं खाना। अब इसमें अलग अलग जो है सबके बारे में लिखा गया है कि अगर आपने हैवी खाना खाया, हाईली कंसंट्रेटेड फूड नहीं खाना चाहिए हमेशा, इसीलिए फल और सब्जियां बोलिए, कंसंट्रेटेड नहीं है, सिंप्लीफाइड फूड है। कंसंट्रेटेड खाना जब आप खाते हैं तो शरीर को उस खाने को सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है, उससे स्टमक को या अंगों को बहुत काम करना पड़ता है और उनका ओवरलोड और फील हो जाते हैं, ओवर हीट हो जाते हैं, इसलिए डाइट शुड बी सिंपल एंड ब्लैंड। तो इस तरह साथियों में हैवी खाना नहीं खा, इसमें अलग अलग चीज, एल्कोहल क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब जो लोग पीते हैं वो अपना लीवर और ब्रेन दो चीज का नाश करते हैं, और लीवर और ब्रेन दो ऐसे अंग हैं जो कभी इनका रीजेनरेशन नहीं होता। अगर लीवर की सेल खराब हो गई तो खराब हो गई, ब्रेन की सेल खराब हो गई तो खराब हो गई, बनता नहीं। इस तरह एल्कोहल नहीं पीना चाहिए, योगी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और हमें ऐसा खाना अवॉइड करना चाहिए जो हमारे शरीर में सेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है। ऐसा खाना कौन सा है, हींग लहसुन प्याज और जो ये बोला सलजम, ये सब चीजें ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए। तो हींग लहसुन यहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में, लेकिन प्याज भी है ऐसा मैंने सुना है, ये खाना अवॉइड कर स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए। कभी ये भी नहीं कि हाँ आपको लहसुन देख के मना किया जा रहा है, आप मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए लीजिए, आप उसको थोड़ा मेडिकल बेनिफिट लेने हैं, लहसुन है प्याज है थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए, हींग थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा लेते हैं तो वह आपके शरीर में सेक्सुअल टेंडेंसी को बढ़ाता है। सेक्सुअल टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा यो नुकसानदायक है योग के रास्ते पर चलने वालों के लिए। अभी आगे आएगा इसकी चर्चा, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए सूत्र नंबर 59 में तामसिक फूड सॉरी राजसिक फूड की चर्चा की गई है, सूत्र नंबर 60 में तामसिक फूड की चर्चा की गई है। कैसा है तामसिक फूड, कि आप जो है अनहेल्दी डाइट न लें, खाने को एक बार गर्म कर लिया फिर ठंडा किया फिर गर्म करके उसको न खाएं, बहुत ड्राई खाना न खाएं, बहुत ज्यादा नमक हो न खाएं, एसिडिक हो न खाएं, और मिक्स्ड वेज, यहाँ एक खास बात है हम लोग मिक्स्ड वेज बहुत ज्यादा खाते, मिक्स्ड वेज खाना तामसिक खाना है। तो इस तरह साथियों देखे जो है कि जैसे वहां पे राजसिक सात्विक और तामसिक खाना की चर्चा की गई भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 8-10, हठ योग प्रदीपिका में भी उसको अलग नाम से बोला गया है। सात्विक खाना क्या है, मिताहार, और राजसिक खाना तामसिक क्या है, अपथ्य। तो सूत्र नंबर 59 और 60 में राजसिक और तामसिक खाने की चर्चा की गई है। तो ये मुझे लग रहा है आपको क्लियर है कि जो अपथ्य अपथ्य यहाँ पर है, या जिसको मिताहार हठयोग प्रदीपिका बोलते हैं भगवत गीता में, उसी को सात्विक आहार कहते हैं।
पथ्य फूड वो है जो योगी को अलाउड है, अपथ्य फूड वो है जो योगी को अलाउड नहीं है। अलाउड का क्यों नहीं है, इसका भी कारण हमने देख लिया। अब जो है योगी काम कैसे करेगा, किनके साथ रहेगा, कैसी यात्राएं करेगा, उसके बारे में श्लोक नंबर 61 बताता है। 61 कहता है कि फायर वोमेन और लॉन्ग पिलग्रिमेज शुड बी अवॉइडेड। फायर मतलब आग के सामने बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं करना चाहिए, जिससे आग की वजह से, गर्मी की वजह से आपकी प्राण शक्ति का ह्रास होता है। तो यहाँ तो आग लिखा है, लेकिन जहां भी आपकी प्राण शक्ति का ह्रास हो, बहुत ज्यादा वहां इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, काम करें आप। ये भी नहीं कि आप कहेंगे कि अच्छा आप तो यहाँ अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, जब तब समझाए थे बोले थे कि जो अपने शरीर में कष्ट है उसको झेलिए, प्रसन्न मन से झेलिए। अगर आप अपने जो शरीर में कष्ट है उसको प्रसन्न मन से झेल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लग रहा है बहुत कष्ट है तो अवॉइड करें। वोमेन, वोमेन मतलब जो है अपोजिट सेक्स की बात हो रही है। यहाँ ये ना कहें कि हाँ कि स्वात्मा राम जी ने औरतों को अलग से बोल दिया, ऐसा नहीं। हाँ मैं लिख लेता हूँ, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स की कंपनी अवॉइड करनी चाहिए, अपोजिट। अपोजिट सेक्स मतलब कि ठीक है, जहां पे ऐसे लोगों का अधिक से अधिक अवॉइड करें जिससे आपके अंदर सेक्सुअल फीलिंग जनरेट ना हो, ये ध्यान रखना है। और मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अपोजिट, आप कोई इसमें बात कर सर कि माता भी अपोजिट सेक्स होती है, बहन भी अपोजिट सेक्स होती है, जहां भी आपको लग रहा है कि सेक्सुअल टेंडेंसी अराउज हो सकती है, वहां पर आपको वो कंपनी अवॉइड करनी है। योगी के लिए यह ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए तमाम देखे आश्रम वगैरह में जाइए, साधु वगैरह जो होते हैं वहाँ फीमेल को अलाउड नहीं होता। बहुत जगह जो मेल वाले, जो फीमेल वाले मठ हैं वहाँ मेल को अलाउड नहीं होता। इसीलिए ये अब जो जिनका बहुत कंट्रोल जाए उनका ठीक है, लेकिन जिनका नहीं होता तो अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, बहुत कंट्रोल वाले लोग भी देखे हैं, आप भी देखे होंगे, मैंने भी देखे, जो एकदम कंट्रोल है कभी भी उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये नॉर्मल नॉर्मल जो भी योगी योगी जो साधना की स्टेज में है उसको बोला गया कि भाई अवॉइड करो फायर वोमेन और लॉन्ग पिलग्रिमेज। बहुत ज्यादा जो है धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं न करें। घंटों घंटों महीनों महीनों आप यात्रा कर रहे हैं, शरीर को थकाता है। आप इसी शरीर से योग अभ्यास भी करना है तो कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो फिर हो गया। हाँ ये अच्छा, जो यहाँ पे ये बात लिखी गई है, गोरखनाथ सेठ बैड कंपनी मिक्सिंग विथ वोमेन बाथिंग इन। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के एकदम नहा लेते हैं, 3 बजे उठ के नहा लिए। अब ठंडी के महीने में ठंडे पानी से नहाने का कोई मतलब नहीं है, नुकसान न करे नहाए। अगर गर्मी के महीने तो आप 3 बजे नहा लेना ठीक है, लेकिन अब कहिए ठंडी में मैं नहाऊंगा, नियम में बांध के रखूंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह नुकसान करता है। तो हर वो चीज जिससे शरीर में किसी भी तरह का नुकसान हो, कष्ट हो और आपको फील हो, तो न करें, कम से कम करें। शरीर आरामदायक रहेगा तब आप योग अभ्यास करेंगे। तो ये है रूल फॉर वर्क कंपनी और जर्नी, यह बता दिया गया। ठीक है, इसी चीज की आगे चर्चा की गई है कि एनीथिंग जहां पे एक्सेसिव डिमांड है, डिप्लीट द सिस्टम, उसको अवॉइड करें। स्टैंडिंग एंड वर्किंग क्लोज टू फायर अवॉइड करें। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अपोजिट सेक्स अवॉइड करें। और बाथिंग अर्ली मॉर्निंग विथ कोल्ड वाटर अवॉइड करें। टू मच फास्टिंग अवॉइड करें। ये सारी चीजें मैंने चर्चा की। फिर अगला पॉइंट आ जाता है अदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सूत्र नंबर 64 से 67 में कुछ और बातें लिखी हैं जो मैं यहाँ आपसे चर्चा करूँ। सूत्र नंबर आगे क्या लिखा है कि योग अभ्यास किसको करना चाहिए। तो ये 60 योग प्रदीपिका कहती है हर जीवित व्यक्ति को योग अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो युवा हो, यंग हो, वृद्ध हो, बहुत वृद्ध हो, बीमार हो और दुबला पतला हो, बहुत कमजोर हो, योग अभ्यास तो सबको करना चाहिए और सभी परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं बूढ़े हो गए हमें ये नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है, अलग करना है। करना तो उनको भी है जो बहुत बूढ़े लोग हैं उनको। अब जो यंग वाले लोग जो शारीरिक अभ्यास करेंगे वो वेरी ओल्ड को थोड़े दिया जा सकता है, या जो नॉर्मल फीमेल करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिया जाएगा, लेकिन योग अभ्यास तो प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वात्मा राम जी ने सूत्र में बहुत क्लियर कहा है कि सभी व्यक्ति योग अभ्यास कर सकते हैं। जो भी योग अभ्यास आपको नहीं आता है, अगले में सूत्र में बताया इन्होंने स्वात्मा राम जी ने, परफेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस। कोई योग अभ्यास आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप परेशान न हो, डरे मतलब छोड़ न दे, प्रैक्टिस करते रहें, धीरे 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 होने लगेगा। बहुत सारा मैं स्वयं कर रहा हूँ, बहुत सारे आसन जो अब मैं कर लेता हूँ पहले मैं नहीं कर पाता था। ठीक है, ऐसे आपको भी जो नहीं आता है परेशान न हो। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और ये जो है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वाला जो मैं अंडरलाइन करने चल रहा हूं, कुछ लोग क्या होते हैं कि बस स्क्रिप्चर शास्त्र पढ़ लेते हैं, गीता उपनिषद बाइबिल कुरान याद कर लिए, दिमाग से समझ लिए, और जहां देखो तहां उसको श्लोक बोल के, सूत्र बोल के, आयत बोल के डराते रहते हैं लोगों को। हठ योग प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने क्लियर बोल दिया कि आप जो है सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं काम चलेगा अगर आप उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। चेंजिंग द फिजिकल अपीयरेंस वोंट वर्क। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही दाढ़ी लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, माला पहन लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये ड्रेस पहन लेंगे, वो ड्रेस पहन लेंगे, और सोचते हैं कि समाज में मुझे बहुत बड़ा साधु मान लिया जाएगा। स्वात्मा राम जी कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिन के लिए लोग धोखे में आएंगे लेकिन बाद में आपको नुकसान ही होगा। तो सिर्फ शास्त्र पढ़े नहीं, शास्त्र की बातों को अभ्यास करें, जीवन में उतारें, यह बहुत जरूरी है। सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेना, मूंछ बढ़ा लेना, ये कपड़ा पहन लेना, ये चप्पल पहनना, ऐसे खाना वैसे खाना, दिखाने के लिए खाना, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो क्लियर कट बता दिया, जो जो लोग फ्रॉड घूमते रहते हैं आप समाज में कहिए, फ्रॉड टाइप के लोग, उनसे बचने के लिए स्वात्मा राम जी ने सतर्क कर दिया। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये शारीरिक अभ्यास कब तक करना है। मान लीजिए आप कह रहे हैं हठ योग फिजिकल है, तो भाई मैं कब तक करूंगा, तो ये स्वात्मा राम जी ने कहा तब तक जब तक आप राजयोग में इस्टेब्लिश न हो जाएं। राजयोग मतलब हायर क्वालिटी का योग। जैसे कोई पूछे मैं हाई स्कूल में कब तक रहूंगा, जब तक आपको इंटरमीडिएट एडमिशन न मिल जाए। जब आपको हायर स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो आप नीचे का छोड़ सकते। बाद में साथियों आपको जब योग अभ्यास शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा फिजिकल करने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में जैसे शुरू में आप जब करते हैं दिन में दो बार करते हैं, बाद में ऐसा रहता है सप्ताह में एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार बहुत हो जाता है, ऐसा होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो हठ योग कब तक करना है, जब तक राजयोग में सक्सेस नहीं। बाद में जब राजयोग में आदमी स्टेब्लिश हो जाता है तो जरूरत ही नहीं फिजिकल करने की, वो दिमाग से ही सारा शरीर कंट्रोल। तो इसलिए यह जो है दो सारे सूत्र, इसके इनफैक्ट चारों ही सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सबको ही अंडरलाइन कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं। परफेक्शन कैसे आएगा, अभ्यास से आएगा, और स्क्रिप्चर्स पढ़ने से, श्लोक याद करने से, आयत याद करने से नहीं होगा, दाढ़ी मूछ बढ़ाने से नहीं होगा, ड्रेस बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको योग अभ्यास में आगे बढ़ना है तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। और हठ योग कब तक अभ्यास करना है, जब तक अगली क्लास में यानी राजयोग के हायर क्लास में एडमिशन न मिल जाए। मुझे लगा साथी समझ गए। अब जो है अगला जो पॉइंट है, एक योगी को किस तरह का कैसे तैयारी करना। जैसे ये तो मैंने मिता जनरल चीज, अब मिता जब आप सही में योग अभ्यास करने पहुंच गए, अब आपने अपना मैट बिछा लिया, अब आप क्या करेंगे। तो पहले जनरल गाइडलाइंस फॉर योगिक प्रैक्टिस, अभी जो मैंने बताया वो लाइफ स्टाइल की चर्चा है, लेकिन जनरल गाइडलाइन, डे टू डे गाइडलाइन क्या है वो मैं बताने चल रहा हूँ।
तो पहली बात तो योगिक लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, यह देखे क्या क्या है अगर आप योग के जीवन में है तो क्या होना चाहिए। हमेशा प्रॉपर रिलैक्सेशन, आराम से रहें, बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, बॉडी रिलैक्स्ड रहे, रिदमिक ब्रीदिंग रहे, काम माइंड रहे। कुछ लोग देखते हैं एक मिनट भी बिना, उनको काम चाहिए, एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, थके रहते हैं, पूरा शरीर थका के रखते हैं। ऐसा नहीं, प्रॉपर रिलैक्सेशन जरूरी है, प्रॉपर एक्सरसाइज जरूरी है। अगला पॉइंट योगिक लाइफ स्टाइल, तो रोज थोड़ा सा फिजिकल करना चाहिए। प्रॉपर डाइटेटरी हैबिट, खाना योगी का कैसे होना चाहिए, मिताहार, सात्विक आहार। प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है, प्रॉपर रिक्रिएशन जरूरी है। रिक्रिएशन मतलब अपने आप को फ्रेश करना, थोड़ा सा खेल कूद कर लेना, आप ये समझ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन, यह सात्विक लाइफ स्टाइल के यह पार्ट हैं। ये छह बिंदु हमें जरूर याद रखना चाहिए। क्लियर है? प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रिक्रिएशन, पॉजिटिव थिंकिंग। अब साथियों जो बताने चल रहे हैं, मैंने बताया कि हम डे टू डे अभ्यास की, जब हम सही में योग रूम में पहुंच गए, योग स्टूडियो में पहुंच गए, मठ में पहुंच गए, तब हम कैसे अभ्यास करें। When not to practice, अगर वहां पहुंचे अब आपको जज करना है मुझे योग अभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका सबसे तरीका सही जो गाइडलाइन है, जब आप बहुत थके हुए हैं, ओवर एग्जर्शन है, बीमार हैं या जल्दबाजी में है या बहुत ज्यादा तनाव है, उस समय योग अभ्यास न करें, ये ध्यान रखना, ठीक है, न करें। या फिर जो एक्सपर्ट गाइडेंस जो अगले पॉइंट में लिखा है, इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज, पेन एंड कार्डियक प्रॉब्लम, आप डॉक्टर से संपर्क करके करें, उनसे पूछ लें, ठीक है। तो ये हो गया व्हेन नॉट टू प्रैक्टिस। तीसरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन अवॉइड हैवी प्रैक्टिसेस, पीरियड्स के समय या प्रेगनेंसी के समय बहुत एग्जर्टिंग, जो बहुत ज्यादा एग्जर्शन होगा, वो सब योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, हैवी एक्सरसाइज नहीं। तो ये तीन पॉइंट हैं जो आपको बताते हैं कि आपको अगर ये तीनों में से किसी में है तो योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बिफोर द प्रैक्टिस, अब मान लीजिए कि तीनों में चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब वहां योग अभ्यास में पहुंच गए, बिफोर प्रैक्टिस क्या करना है। बिफोर प्रैक्टिस के लिए ये ध्यान रखे, शौच होना चाहिए। शौच मतलब पूरी तरह से अंदर और बाहर शुद्ध होके आप योग रूम में जाएंगे, मठ में जाएंगे, शांत मन से जाएंगे और चारों तरफ का वातावरण शांत होना चाहिए, पेट खाली रहे, यह जान लें पेट खाली रहना चाहिए, या बहुत हल्का फुल्का, मैं तो यही कहूंगा पेट खाली करके ही योग अभ्यास किया करें। ब्लाडर एंड बाउल मूवमेंट शुड बी एम्प्टीड, मतलब जो लैट्रिन है या यूरिन है, पेशाब के लिए जाना है, वो आप पूरी तरह से योग अभ्यास के पहले ही कर लें। और एक मैट होनी चाहिए आपकी, मैट में जैसे दरी कहा जा रहा सही है, लेकिन मेरा सजेशन है कि एक नेचुरल मैट जरूर अरेंज करें, ये प्लास्टिक और रबड़ की मैट लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। जैसे आप योग अभ्यास में आगे बढ़ेंगे, आपका योग की साधना का समय बढ़ता जाएगा, अभी आधे घंटे शुरू करेंगे, बाद देखेंगे दो दो तीन तीन घंटे, उसी में इतना आनंद आने लगता है, वो सब आएगा। तो इस तरह जो है आप माइट नेचुरल वाला लें, ये बिफोर प्रैक्टिस, जब आपने अभ्यास शुरू नहीं किया, और ये चीजें ध्यान में रख लेना है। और क्या ध्यान रखना है, हाँ, क्लोथ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो लाइट एंड कंफर्टेबल कोट क्लोथ पहने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। क्लोथ जो है कैसा होना चाहिए, तो लाइट और कंफर्टेबल कपड़ा हो, कॉटन का हो, थोड़ा लंबा गला बंद हो, फीमेल के लिए कम से कम खास बात कि गला बंद हो और नीचे टी शर्ट थोड़ा लंबी हो, एकदम कमर पे ही रहे, ऐसा नहीं कमर के नीचे रहे, थोड़ा सा लंबाई ज्यादा हो,
और इस तरह कपड़ा होना चाहिए। मेन उद्देश्य है कि जब आप कठिन आसन करें, चक्रासन करें, सर्वांग आसन करें, ऐसा ना हो कि आपका टी शर्ट कहीं और भाग रहा है और आप कहीं और भाग रहे हैं। इस तरह जो है कॉटन की बंद गले वाली और लंबे साइज वाली, जो जिसका लंबाई ज्यादा हो, कमर के नीचे मतलब घुटने के थोड़ा सा ऊपर तक वो पहुंचे, या ठीक है मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहा हूँ, उसका नाम मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, कि लंबी अगर जीन्स वगैरह पहनते हैं, सॉरी टी शर्ट वगैरह, तो लंबी होनी चाहिए और गला बंद। फीमेल के लिए गला बंद टी शर्ट हो तो बहुत ही अच्छा है, आगे झुकना होता है, पीछे झुकना होता है, उठना पड़ता है, तो ये सही रहेगा। मेल के लिए मैं बताऊं तो मेल के लिए लंगोट पहनना बहुत ही जरूरी है। अगर योग अभ्यास में आप लंगोट पहनते हैं तो बहुत ही लाभ करेगा। बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जो लंगोट नहीं पहनने से आती, जो खिलाड़ी लोग हैं वो जानते हैं, क्या उसको बोलते हैं, हार्निया हो जाना और हाइड्रोसील, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये अगर आप मेल हैं तो लंगोट लगाना हमेशा ही अच्छा है। मार्केट में आज लंगोट का ऑप्शन भी आ गया है कि उसको वो बोलते हैं सपोर्टर, लेकिन लंगोट की जो जो आराम है वो सपोर्टर आपको कभी नहीं दे सकता, ठीक है। तो मेल के लिए लंगोट हो गया। फिर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ये तो हो गया बिफोर प्रैक्टिस, पहले तो कौन नहीं करेगा ये भी बता दिया बिफोर प्रैक्टिस। अब ड्यूरिंग प्रैक्टिस क्या है? ड्यूरिंग प्रैक्टिस ये कि जब भी योग अभ्यास करें हमेशा एक प्रेयर से शुरू करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान जरूर कर लें और धीरे धीरे करके हमें अपने अवेयरनेस को बॉडी बॉडी और ब्रीथ से जोड़ना है। और पूरा योग अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे करें, जल्दबाजी में बिल्कुल एकदम जिम के पर्सन की तरह न करें। आप धीरे धीरे योग अभ्यास करेंगे, जितना धीरे करेंगे उतना जल्दी बेनिफिट आ जाएगा। और कभी भी सांस को रोक कर न रखें, जब भी लगे आप मुंह क्या कहते हैं सॉरी सांस को नाकों से न लें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कभी भी देखिए एक मिनट में उल्टा, मुंह से नहीं लेना है, सांस हमेशा नाक से ही लेना है जब तक आपको बोला न जाए। तो ये अगला पॉइंट है, ये वाला ब्रीदिंग शुड ऑलवेज बी थ्रू नोस्ट्रिल्स, ये लिख लेता हूँ इसको। हमेशा जब तक, जैसे कुछ प्राणायाम वगैरह ऐसे है उसमें मुंह से बोला जाएगा तब आप लें, लेकिन नॉर्मली नाक से ही सांस जाए। और कभी भी सांस को रोके नहीं, ब्रीथ को रोके ना, जबरदस्ती आप सांस को रोके नहीं, यह ध्यान दें, ठीक है। अगला पॉइंट हो गया डू नॉट होल्ड, हाँ शरीर को कहीं भी टाइट ना करें, जर्क ना दें, झटके से कोई चीज ना करें। और ये सब लोग आप अभ्यास भी करते होंगे, और परफॉर्म द प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से योग अभ्यास करें। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है कोई चीज क्लास में बोला जाता है कि इसको 50 बार करना है, मान लीजिए आपने 10 बार किया और आपके सामने कोई व्यक्ति है जिसने 60 टाइम्स कर लिया, तो किसी भी तरह का आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, अपनी क्षमता से आप करें, ठीक है। और जो आपकी क्षमता है वही कम प्रतियोगिता अपने आप से रखें। अगर आप 10 यूनिट कर रहे हैं तो कल 12 होगा ही होगा, तो प्रतियोगिता अपने आप से है और किसी से नहीं। और रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल, नियमित योग अभ्यास जरूरी है। अब यहाँ रेगुलर का मतलब, जैसे आप चाहें तो वीक में एक दिन छुट्टी ले सकते हैं, कभी अभी आप संडे मत करें, सैटरडे मत करें, लेकिन 5-6 दिन योग अभ्यास करना हमेशा लाभदायक है। आइए जो अगला महत्वपूर्ण है, टेक केयर ऑफ कंट्रा इंडिकेशन। जो भी योग में अभ्यास कराया जाता है, जो आपके टीचर हैं, गुरु जी हैं, उनसे पूछें तो बता देंगे कौन सा आसन किस में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। कंट्रा इंडिकेशंस का हमेशा ही ध्यान रखना है। योग सेशन शुड एंड विद मेडिटेशन एंड डीप साइलेंस। लास्ट में कैसे इसको योग सेशन शुरू कहाँ से होता है? प्रार्थना से। अंत कहाँ से होता है? एक सरेंडर प्रेयर से
हो जाए या मेडिटेशन से। फिर आता है आफ्टर प्रैक्टिस शांति पाठ, जो आप लोग जानते चाहिए, योगा सेशन शुड इंड, योग सेशन शुड इंड विद मेडिटेशन, डीप साइलेंस एंड शांति पाठ। शांति पाठ क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःपाक् भवेत्। ये तो ये हो गया आफ्टर प्रैक्टिस। मान लिया आपने योग अभ्यास कर लिया, उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए? इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना चाहिए कि नहाना जो है आप 10 कम से कम आधे घंटे बाद ही नहाएंगे, और योग अभ्यास के तुरंत बाद खाना नहीं खाना चाहिए। 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे का गैप रखें, नहाने में भी गैप रखें। तो यह साथियों, जब भी योग अभ्यास अगर आप एक घंटे प्रैक्टिस करके उठते हैं, आराम से 10 मिनट रेस्ट करें। तो इस तरह साथियों, हमने प्रदीपिका का चैप्टर 1 कंप्लीट किया, आसन को छोड़कर। आसन की चर्चा बहुत ही विस्तार में अलग तरीके से होगी। तो यहाँ तक की चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप हठ योग प्रदीपिका को समझ रहे होंगे, इस ग्रंथ के महत्ता को समझना शुरू कर दिए होंगे कि देखो कितना अच्छा चीज बता रहे हैं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो बस योग अभ्यास यूट्यूब पे देखे, किताब में पढ़े और शुरू हो गए। ये बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड में योग की बातें बहुत ही लाभ करती हैं। चलिए यहाँ से मैं प्रेयर करके आज की क्लास इंड करूंगा। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पाद पद में तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। नमः श्रीयतिराजाये विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी नेता पुहारिने। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णाय। चले साथ, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ, और ईश्वर करे कि आप सभी का जीवन सदैव सुखी रहे और आपको सात्विक संपदा की प्राप्ति।